और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन के आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते अब क्षिप्रा का जलस्तर सुबह से लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर बने हुए मंदिर डूब गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ मंदिरों की, जो इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। दूसरी तरफ उज्जैन के बड़नगर रोड को जोड़ने वाले छोटे पुल से पानी ऊपर की तरफ बह रहा है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम को घाट के आसपास तैनात किया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। नदी के निचले इलाकों को खाली करा दिया गया है। अनुमान है कि देर शाम तक क्षिप्रा के जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, स्थिति और भी भयावह हो सकती है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ जाता है तो निचली बस्तियों को खाली कराया जाएगा। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में क्षिप्रा का जलस्तर दूसरी बार बढ़ा है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा में इस साल उज्जैन में बारिश बेहद कम अनुमानित है, लेकिन बावजूद इसके जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है। होमगार्ड एसडीआरएफ के जवान मोर्चा संभाले हुए सर, और लगातार क्षिप्रा जी का जलस्तर बढ़ रहा है। घाटों पे क्या है कि क्षिप्रा जी की जो रपट है बड़नगर पुल की, इसमें करीबन 3 या 3.5 फीट के ऊपर पानी बह रहा है, और पानी बढ़ोतरी में ही है, अभी घटना चालू नहीं हुआ। मंदिरों भी छोटे मंदिर तो डूब चुके हैं, और आसपास के जो मंदिर हैं, हो सकता है कि अगर ज़्यादा जल स्तर बढ़ा है तो ये भी डूबने की संभावना है। उज्जैन के आसपास इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते क्षिप्रा नदी का जल स्तर आज सुबह से बढ़ रहा है। उज्जैन के रामघाट क्षेत्र का ये नज़ारा है। यहाँ पर जो मंदिर बने हैं, छोटे मंदिर पूरी तरह से डूब गए हैं, और जो बड़े मंदिर हैं वे भी लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण आधे आधे डूबते नज़र आ रहे हैं। उज्जैन बड़नगर को जोड़ने वाला जो छोटा पुल है वहाँ भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। एसडीआरएफ की जो टीम है वह जो आसपास के इलाकों में तैनात है, रामघाट पर एसडीआरएफ की टीम के जो जवान हैं वे तैनात हैं, और लगातार जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें वहाँ नहीं जाने की हिदायत दे रहे हैं। और क्षिप्रा नदी का जल स्तर जो है शाम तक और बढ़ने की संभावनाएँ भी जताई जा रही है। उज्जैन से INS न्यूज़ के लिए राहुल यादव।